नमस्कार, मैं के सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल में फॉलोअप हो गया जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट BRI। छोटे से देश में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? भारत पर ड्रैगन की नजरें साफ दिखाई दे रही है। नेपाल ने तोड़ा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला है जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ड्रैगन के जाल में फंसने से कैसे बच पाया नेपाल। BRI चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क और जल मार्ग से जोड़ना चाहते थे। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद अब यह प्रोजेक्ट नेपाल में ठंडा पड़ चुका है। नेपाल चीन के बीच BRI साइन हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। BRI के तहत नेपाल में बनाने थे 35 प्रोजेक्ट। देउबा सरकार की चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई दे रही है, और नेपाल में निवेश के लिए भारत भी अब तैयार हो चुका है। नेपाल को अमेरिका की तरफ से मलेलियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत $500 मिलियन का अनुदान मिल चुका है, और दूसरी ओर भारत भी नेपाल में विशेष रूप से हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखाता नजर आ रहा है। अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों ही लंबे समय से BRI को नकारात्मक नजरिए से देख रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने काठमांडू को संभावित कर्ज जाल की भी चेतावनी दी थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।